महालक्ष्मी जी की जन आशीर्वाद रथ यात्रा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भगवान अग्रसेन जी की पावन भूमि अग्रोहा महाशक्ति पीठ से आरंभ हुई। मालवा निमाड़ क्षेत्र के यात्रा संयोजक संतोष गोयल, इंदौर विष्णु प्रसाद बंसल महू तथा मनोज गोयल गुड़ियानी ने बताया कि अग्रोहा महाशक्ति पीठ में कुल देवी महालक्ष्मी जी एवं अष्ट महालक्ष्मी जी के विश्व के पहले एवं विशाल दिव्य अलौकिक और भव्य मंदिर निर्माण का प्रचार प्रसार करना रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य, साथ ही देश के तमाम अग्रवाल परिवारों को जोड़ना तथा रथ यात्रा के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों से सीधा संपर्क करना। उन्होंने कहा कि देश भर में फैले अग्रवाल समाज को पूरे भारत में निकाली जा रही 18 रथ यात्रा के माध्यम से गठित करना है। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। हम सबको स्वागत का परम सौभाग्य प्रदान हुआ है आयोजित अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के द्वारा माँ आठ महालक्ष्मी की जन आशीर्वाद यात्रा को जो आज कन्नौज नगर में पहुंची है, मैं हृदय की गहराइयों से इस यात्रा में पधारे समस्त अतिथियों का, पदाधिकारियों का आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मातृशक्ति का, युवा साथियों का, प्यारे प्यारे बच्चों का। देश के विकास में अग्रवाल समाज का अविस्मरणीय योगदान है। जब भी समाज के लिए दान देने की बात आती है, देश को, राष्ट्र को किसी बड़ी सेवा की आवश्यकता होती है, तब अग्रवाल समाज के खजाने और भंडार खुल जाते हैं। और इसलिए समाज को समरसता देने वाला, दीन दुखी गरीब की मदद करने वाला और बड़े बड़े भंडारों से लेकर बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों को संपन्न कराने वाला हमारा अग्रवाल समाज, इस देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सबको एक गुलदस्ते की तरह यहाँ रहते ही हैं। इस नगर और ये मंदिर 500 करोड़ की लागत से हमारे भगवान अग्रसेन जी की कर्मसतली अग्रोहा में बन रहा है। ये मंदिर 108 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा और 108 फीट ऊंचा होगा। इसमें कोई सीमेंट, गारा, ईंट का प्रयोग नहीं होगा। ये मंदिर केवल और केवल पत्थरों से, गड़त से बनाया जाएगा। इस मंदिर में ये यात्रा का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को, सर्व समाज के लोगों को अग्रोहा शक्ति पीठ से जोड़ना और उस मंदिर के निर्माण में यहाँ के लोगों की भी एक पुण्य ईंट लगे। इस निमित्त ये पूरे देश में 18 यात्राएं चल रही हैं। मैं यहाँ के मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि जो समय समय पर रहकर हमारी यात्रा का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ के कन्नौज के मीडिया साथियों का भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पुणे में सभी आयोजकों का, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी गर्ग, जिनके मार्गदर्शन में पूरा अग्रवाल समाज एकत्रित होता है और सारा काम चलता है अग्रवाल सम्मेलन का, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। 2400 घंटे वो लोग लगे रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम भी कुछ काम को सीख रहे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।